करनाल के शिव कॉलोनी, मान कॉलोनी व प्रेम कॉलोनी में शुक्रवार की रात को सनकी युवकों द्वारा गली में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे, जिसकी जानकारी वहां के निवासियों ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी गाड़ियों के नुकसान की बारीकी से जांच की व अज्ञात लोगों की जाँच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आसपास के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज इकट्ठा की गई और दोषियों तक पहुँचने में कामयाबी हासिल की। सिटी थाना इंचार्ज हरजिंदर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रामनगर इलाके के शिव कुमाऊनी महान पुरानी में प्रेम कॉलोनी में तोड़फोड़ करने के दोषी दो युवकों पंकज पुत्र राजीव गली नंबर 3 ज्योति नगर व योगेश पुत्र ब्रिजमोहन निवासी मान कॉलोनी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा शराब पीकर गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की, जिसको करनाल पुलिस द्वारा बड़ी तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उनको अदालत में पेश कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या मामला है? देखिए, सुबह चूँकि रामनगर में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, एक सियाराम सन ऑफ लक्ष्मी राम, जिसने ये बताया कि करीब रात 1:30 बजे के करीब उसके घर के बाहर कुछ तोड़ा फोड़ी या शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी, जिससे देखकर वो बाहर निकला। उसने देखा कि पल्सर बाइक पर दो लड़के थे, चूँकि हुड़दंगबाजी कर रहे थे प्रेम नगर में, गाड़ी उसकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़। जैसे ही उसने उनसे पूछा, उसके साथ भी उन्होंने हाथापाई करी और मारपिटाई की। उसके बाद ये प्रेम नगर के बाद शिव कॉलोनी में निकल गए, और जैसे ही निकल गए, जितनी गाड़ियां रास्ते में 12-13 गाड़ियों के करीब इन्होंने रात तोड़ाफोड़ी की है। और जैसे हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई, मुकदमा दर्ज कर दिया गया और दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें से दोनों, एक का नाम पंकज सन ऑफ राजीव है, जो कि गली नंबर 3 ज्योति नगर करनाल का रहने वाला है, और सेकंड योगेश सन ऑफ ब्रिजमोहन, जो कि मान कॉलोनी करनाल का रहने वाला है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है, और मोटरसाइकिल भी, जिस मोटरसाइकिल पर थे, वो मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। क्या मंशा थी इनकी, ऐसा क्यों किया? ये शराब के नशे में धुत होकर हुड़दंगबाजी करना, और ये फिर इन्हीं कामों पर है। क्या कार्रवाई की जा रही है? अरेस्ट कर लिया गया है, सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा, आगामी कार्रवाई कोर्ट में होगी।